महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। गर्मी के दिन में लोग तरबूज क्यों खाते हैं? तरबूज खाने से क्या होता है? तरबूज का गुण क्या है? आप सभी इस विषय पर बहुत ही मने कौतूहल रूप से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि तरबूज खाने से क्या होता है, तरबूज का क्या गुण है, क्या उससे फायदा है। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में नए आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे, बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि मेरे सर्वप्रथम वीडियो आपके बीच में पहुंच सके। तरबूज जो है उसके अंदर में बहुत ही ज्यादा माने आपका पानी की मात्रा तेजी से उसमें शरीर को लिए फायदेमंद होता है। तरबूज के अंदर में 60% जो है पानी की मात्रा रहता है, और गर्मी के दिन में लोगों की प्यास यानी मुंह और कंठ जो है सूखने लगता है, उस चीज को तरबूज जो है पूरा करता है। लेकिन तरबूज में बहुत सा ऐसा मिनरल्स और विटामिन है जो कि आपकी हर प्रकार की बीमारी को खत्म करने का उनके अंदर में क्षमता रहता है। उसमें जो है आपको फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, ये सब चीज है। तरबूज खाने से आपका दिमाग जो है पूरी तरह से शांति बना रहेगा, मन की शांति होगा, और साथ साथ में अगर आपके अंदर में बहुत ही जरूरत से ज्यादा अगर क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, उस क्रोध और गुस्सा को भी जो है तरबूज समाप्त कर सकता है। ये तरबूज के अंदर का वो चीज है। लेकिन तरबूज का सेवन करने से आपकी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रूप से आपको मिलेगा, और आपका किसी भी तरह का हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सारे चीज में तरबूज बहुत ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन तरबूज खाना कब चाहिए? तरबूज खाने का नियम जो है वो आपका सुबह में नाश्ता के बाद यानी दोपहर से बीच में, ये आपका तरबूज का सेवन प्रत्येक दिन 1 से 1.5 किलो अगर आप करते हैं तो आपका शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, उसको भी रिफाइन करने का काम तरबूज करते हैं, और उसमें मैग्नीशियम, पोटासियम और फास्फोरस होने की मात्रा के कारण आपको ताजगी और स्फूर्ति की मात्रा शरीर के अंदर में ज्यादा लाने का प्रयास करता है ये तरबूज का गुण। तो इसीलिए तरबूज गर्मी के दिन में आपको सेवन करना चाहिए, लेकिन रात के समय में तरबूज कदापि सेवन ना करें, क्योंकि रात के समय में अगर खास करके जो व्यक्ति की थायराइड की बीमारी है, जो व्यक्ति की निमोनिया से संबंधित जो प्रॉब्लम है, या सर्दी जुकाम का हमेशा शिकायत रहता है, तो ऐसा जातक के लिए तरबूज जो है रात के समय में सेवन करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, और उसके वजह से जो है आपको सांस फूलने की बीमारी और खांसी से संबंधित बीमारी को भी डेवलप होता है। इसीलिए ऐसा जातक जो है तरबूज आप सेवन ना करें रात के समय में, लेकिन दिन के समय में तरबूज का सेवन कर सकते हैं। जितने भी गर्मी की मात्रा, भरपूर मात्रा में अगर गर्मी हो तो उसमें आप तरबूज का सेवन जरूर करें। इसमें क्या होगा कि आपको हर प्रकार की बीमारी से लड़ने का क्षमता रहेगा, शरीर के अंदर में एंटीडॉज की मात्रा को मजबूत करता है, और उच्च रक्तचाप हमेशा अगर आपके बीच में रहता है, अगर आपके साथ में उच्च रक्तचाप के कारण अगर आपको हमेशा चक्कर की भावना होता है, तो आपका जो है तरबूज जो है वो बहुत ही फायदेमंद करता है, क्योंकि तरबूज के अंदर में भरपूर मात्रा में जो पानी रहता है, और तरबूज का जो उत्पत्ति होती है वो रेत के भूमि में होता है, जहां पर बालू होता है, जहां पर रेत होता है, वहां पर जो है कि तरबूज की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर उत्पत्ति होती है, और लोग उसको माने तरबूज का खेती करते हैं। तो आपको तरबूज से संबंधित आज मैं विशेष जानकारी दिया हूं,
और अगर किसी भी तरह से इस विषय पर अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।